नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। आज फिरोजाबाद के गांव धकनारा निवासी भूमि माफियाओं के तांडव व दबंगई से भयभीत लोगों ने जिलाधिकारी को देने पहुंचे ज्ञापन एवं न्याय की गुहार लगाई। जिलाधिकारी के द्वारा दी गई जानकारी में दिया गया आश्वासन में कहा, आप SDM शिकोहाबाद को अपनी समस्या से अवगत कराएं। एक तरफ देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में BJP सरकार लोगों को दबंगई, गुंडागर्दी, अवैध कब्जा, भूमि माफियाओं से मुक्त कराना चाहती है, लेकिन एक तरफ दबंग प्रवृत्ति के लोग, भूमि माफिया, अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। उपस्थित ग्रामीणों के द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया कि इन भूमाफियाओं ने चकबंदी विभाग के कर्मचारियों की मिली भगत से अपना, जहाँ खादी के कट्टे थे उन पर चक दिखाते हुए सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रहे हैं। बताते हैं, ये हमारा पट्टा है। ग्रामीणों ने एक चेतावनी देते हुए कहा है, अगर हमारी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान नहीं हुआ तो आगे हम करेंगे धरना प्रदर्शन। अब देखना ये है कि हमारे शासन प्रशासन के द्वारा इन भूमि माफियाओं पर योगी सरकार किस प्रकार का चलाती है डंडा, किस प्रकार का मिलेगा न्याय। ग्राम पंचायत दखनारा के निवासी हैं और ग्राम सभा दखनारा की जमीन पर भूमाफिया हमारे वहाँ 100 साल पुराने भूरे पड़ रहे हैं और जमीन पर मकान बने हुए हैं। उस मकान पर उन्होंने किसी तरह चकबंदी या अधिकारियों से मिलकर चक बनवा लिया होगा, इसका हमें कोई कौन सा गांव है और थाना कौन सा? थाना सिकोहाबाद। उसका हमें गांव कौन सा है? गांव कौन सा? गांव दखनारा। अच्छा, उस पर चक बनाया या नहीं बनाया हमें मालूम नहीं, लेकिन वो कहते हैं हमारा यहाँ चक बन गया है उड़ान चक, तो वो वहाँ पर खाली करा रहे हैं जगह को, जबरदस्ती बाउंड्री कर रहे हैं, और जबकि ये मामला हमने कोर्ट में भी विचाराधीन चल रहा है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।